बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुक्रामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब जी, सर तीन कस्में खाई और तीनों का बांडा फूट गया कि झूठ बोल रहा है भाई। पीपल्स पार्टी भी कह रही है, नून लीग भी कह रही है और पीटीआई ने तो कहा है कि ये है ही झूठा आदमी। जुबैर साहब ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा एक्सटेंशन ये तो नवम्बर 2022 तक मिनतों पर आगे हुए थे कि फिर एक्सटेंशन चाहिए। नवाज शरीफ को बाहर डील के तहत पहुंचाया गया, उसके एवज क्या लिया गया वो नहीं उन्होंने बताया। और फिर रिजीम चेंज में किसको नहीं पता, उन्होंने कहा तो वो तो 6 महीने पहले काम शुरू हो गया था कि ये करना है। और ख्वाजा आसिफ के मुताबिक आपको याद होगा इमरान खान की हुकूमत के एक साल बाद ही रबते हो गए थे नून लीग और उनके दरमियान के इमरान खान की हुकूमत को नहीं चलने देना। क्या इन कस्मों का कोई असर हुआ पाकिस्तानियों पर? वो बंदा जिसने गुमनामी की जिंदगी गुजारनी थी, जिसने जाके सियासत से बिल्कुल अलग थलग रहना था, वो आके अपनी कस्में खा के अपनी सफाई दे रहा है, और एक बंदा जो जेल में बैठा है वो कुछ भी नहीं कह रहा और जीत रहा है। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, अलमिया यही है कि जिन लोगों ने आईन और कानून के मुताबिक, देखें हमारा आईन बना है दीन यानी कुरान और हदीस की तालीमात की रोशनी में, बेशक, और उसी के तहत हमारे मुल्क की कवानीन भी आगे बनाए गए, रूल्स भी उसी के मुताबिक बने। तो जब आपने कुरान और हदीस की रोशनी में बनाया गया आइन और उस आइन में लिखे गए हल्फ को जो अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जान के आपने हल्फ उठाया, आप जब बार बार उसकी खिलाफ वर्जी करते रहे तो मुझे बताएं फिर आपकी ये कुरान मजीद के ऊपर हाथ रख के कस्में खाने का क्या फायदा होगा? कचहरी के अंदर आप चले जाएं सुबह 500 रुपए में लोग सहाफी को जाके अपनी कस्में और दलीलें दे रहे हैं, जिसका माजी ये है कि ज़ियाल हक दौर में इधर असम्बली में जाओलाक जिंदाबाद के प्रेस गैलरी में नारे लगाने वाला जो नू लीग से वो पेट्रोल पंप के लाइसेंस लेता रहा। हाँ, बस ठीक है, आगे मैं क्या बताऊँ? लिबर्टी चौक वाला वो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है अपनी मर्जी का। जी जी, अच्छा मालिक साहब नहीं बोले अभी, हर जगह पे पहले जवेद चौधरी साहब अल मशहूर पंसारी जो बन चुके हैं, शायद मेतला भी भुगत रहे, शायद मेतला और उसके बाद मंसूर अली खान और उसके बाद शायद मेतला। मंसूर अली खान ने क्या, मंसूर अली खान को भी इन्होंने एक जो है ना वो इंटरव्यू में मैंने नहीं पढ़ा हुआ वो है इनका, दूसरा मंसूर अली खान था, तीसरा शायद मेदला था, और अब आए हैं जनाब। लेकिन केस में सिर्फ दो हैं जो हाई कोर्ट में चल रहा है, बेशक उसमें दो हो लेकिन ये गुज़श्ता साल या तो नवंबर दिसंबर 2022 की बात है या जनवरी और फरवरी की बात है। पहले जवेद चौधरी साहब ने एक या दो कलम लिखे थे, उसके बाद मंसूर अली खान ने गालिबन इसके ऊपर एक व्लॉग किया था। मंसूर अली खान ने मेरे ख्याल में कहा था कि जो जवेद चौधरी ने बातें लिखी है ना इनके रेफरेंस से, वो उन्होंने इनसे इनकी कुछ बातों से उन्होंने अब भी आके कबीले यही माफिया हैं कि इमरान खान से माफी है और क्या है इसमें। सर बात असल में, सर बात असल में सारी यही है, मुझे बताया ना कि इमरान खान तो कहता है कि मैं जब रूस गया था तो मैं तो पूरी जो स्टेक होल्डर से एस्टेब्लिशमेंट और जो मुतलका वजारतें बनती थी, जो इदारे बनते थे, मैंने सबके साथ मुशावरत की और मुशावरत के बाद मैं वहां पे गया। साहब ने इधर सेमिनार में क्या कह दिया था, एक सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि नहीं भाई हम एक सफे पर नहीं है इस तरह अमेरिका का, और आपको याद नहीं मुझे? हाँ, ये मुझे वो तकरीर याद है, और उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिका, जवाब भी इंग्लिश में दिया। हाँ, अमेरिका हमें जो है वो हमारी जरूरत की चीजें यानी कि वो डिफेंस से मुतलिक चीजें नहीं देता, तो फिर हमें इधर उधर जो है वो दीगर ममालिक की तरफ वो देखना पड़ता है। तो यही तो इमरान खान कहता है, कहते हैं कि मैं यहाँ से जब गया तो मैंने सबके साथ मुशावरत की, और जब मैं वहां पर पहुंचा तो पीछे इन्होंने बयानियां बना दिया कि इमरान खान तो अपनी मर्जी से गया, हमसे तो उसने पूछा ही नहीं है। और मेरे ख्याल में करामत मुगल साहब, अगर जनरल बाजवा साहब खुद को बेगुनाह समझते हैं तो उनको उनका पहला मुतालबा ये होना चाहिए था कि फौरी तौर पर साइफर को पब्लिक किया जाए। बिल्कुल, इमरान खान का बयान ये तो सारा साइफर पे है ना, बिल्कुल, तो आप कह दें कि भाई साइफर पब्लिक करें, पता चल जाए कि वो साइफर किसके नाम आया था। यार बात यह है कि हमारे मुल्क में एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत से ताकतवर शख्स कौन होता है इस मुल्क में, कौन होता है सबको पता है जी, सबको पता है उस वक्त कौन थे ताकतवर? मैंने भी नाम नहीं लिया, मैंने भी नहीं लिया लेकिन पता सबको चल गया और उस वक्त ताकतवर तरीन शख्स कौन था? जनरल बाजवा साहब थे। तो फिर पीछे क्या चीजें रह जाती हैं? और दूसरी बात यह है कि आपने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की, बार बार खिलाफ वर्जी की, आपने एक मुंतखब हुकूमत को हटाने के लिए उसके 8 महीने बाद ही आपने अपोजिशन, जो उस वक्त की अपोजिशन मुस्लिम लीग आपने उनको ऑफर की वजीर आजम बनाने की ऑफर की। फिर आप देखें कि आपने एक नवाज शरीफ जो साबिक वज़ीर आज़म थे उसको मुल्क से बाहर फरार कराने के लिए आपने पीडीएम हुकूमत पीडीएम की तहरीक शुरू कराई, आपने अपने खिलाफ नहीं, पहले उसको बाहर भगाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान क्या कहते थे? मैं रात को जिनके साथ वो जाके मुलाकात करते थे
वो किनका हवाला देते थे, किनका कहते थे कि ये अप्रैल 2020 तक जो है, मार्च अप्रैल 2020 तक ये इस्तीफे आ जाएंगे, ये हुकूमत खत्म हो जाएगी, वो किसके साथ यकीन दहानियां करके जो है वो बाहर जाते। अब तो मोहम्मद जुबैर साहब ने तो सारा कच्चा चट्टा खोल दिया ना, बहुत प्यारा इंटरव्यू दिया, जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में ये वही चीजें हैं कि वो इमरान खान ने कहा था ना कि उन्होंने एक ख्वाब देखा था कि वो मुश्किल में है, वो किसी जगह खड़े हुए थे तो उनके ऊपर ना कोई पत्थर गिरने वाला था, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि मुझे अचानक जो है ना वो किसी ने यहाँ से उठा के इधर कर दिया और ये जो अपोजिशन की सारी जमातें थी इनको उठा के इस तरफ कर दिया। और वो क्लिप बहुत लंबे है, वरना मैं आपको सुनवा दूं, 8-8 मिनट का क्लिप है। नहीं, ये मोहम्मद जुबैर साहब तो काफी टाइम से ये सारी कैसे तरीके इंसाफ की गिराई। जी जी, अच्छा मजे की बात आपने कहा ना कि कुछ लोगों को 6 महीने पहले से काम शुरू कर दिया। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट कवर करते थे तो यहाँ पर चाय मगोइयां शुरू हो गई कि हुकूमत जा रही है। फिर हुआ यूं कि हमारे कुछ साफी दोस्त, मैं नाम नहीं लेता, हमारे कुछ साफी दोस्त, नाम की नहीं, नहीं, साफी तो नहीं, रैंक्स वाले होते हैं ना, चले वही कर लें। हाँ। लेकिन हम इशारे दे देते हैं, हमारे कुछ साफी दोस्त जो उस वक्त पीटीआई की लाइन पर थे, अच्छा ठीक है, उन्होंने अचानक बगैर इंडिकेटर दिए यूं कट मार दिया। मैं आपको इतना इशारा दे देता हूँ, उन्होंने डायरेक्ट कट मारा। और ये बात कब की है, ये सितंबर 2021 की बात। अच्छा, यानी सितंबर 2021 में यहाँ मौजूद मैसेज कन्वे हो गए थे कि दे आर नो मोर, देयर इज नो मोर पीटीआई गवर्नमेंट। और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में आके ये तकरीबन देखे ना 7 महीने 8 महीने बनते हैं। इमरान खान को तो 8 मार्च को पता चला ना, 7 या 8 मार्च को। जी, इमरान खान साहब भी ये, उनको भी ना मेरे ख्याल में जब उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था ना, उसके बाद ये आईबी की जानिब से कुछ इशारे उनको भी मिल गए थे कि आपकी हुकूमत जाने, ये जो अल्लाह भला करे राजा रिया साहब हैं, इन्होंने भी जो साइड बदली थी ना, इनका भी मेरे ख्याल में नवंबर का, शायद नवंबर 2021 से ना इनके साथ बातचीत शुरू हो गई थी और इनको भी ये पैगाम पहुंच गया था कि भाई दे ये जा रहे हैं, इनका अब बचना मुमकिन नहीं है। हाँ, तो फिर हमारे साफी, हमने तो इनको देखा तो हमने कहा ले भाई वाकई अब ये जा रहे हैं, क्योंकि जो यकदम लाइन बदल जाए, जिनको पता चल जाए कि मुस्लिम लीग नून की या पीडीएम की हुकूमत आ रही है और वहां से हमें कोई बेनिफिट मिल सकता है, और उन्होंने उस लाइन पे, अगर वो आज तक उसी लाइन पे हैं, मैं आपको ये भी चले इतना भी मजीद इशारा दे देता हूँ, मैं तो जानता हूँ नाम आपने लेना, आपने बात शुरू जी जी, वो फिर देखेंगे कभी। हाँ। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीजें जनरल बाजवा साहब के दौर में हुई, आपने आपके ऊपर इल्जाम लगा कि आपकी फैमिली के 13 अरब के असासे हैं, आपने उसके ऊपर कोई बात ना की, साफी उठा लिया, साफी उठा लिया, आप उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया, आपने जो है वो अरशद शरीफ के खिलाफ किसने मुकदमात बनवाए, जो सहाफियों को बुला बुला के, ये भी मैं आपको बता दूं अरशद शरीफ शहीद साहब के बारे में, खुद बाजवा साहब बुला बुला के सहाफियों को ये अपनी वजाहतें देते रहे कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं, कस्में भी उठाते हैं। अच्छा, हैरान तो हर जितने भी लोग उनसे मिले हुए वो सारे यही बताते हैं, वो हर बात या तो कसम से शुरू करते हैं या कलमा उठाकर बात शुरू, तो जिस बंदे की बात पर उसको पता है कि सामने वाले को एतबार नहीं, कोई ऐसे कर। सर बात यही है ना कि आपने हल्फ लिया, उसने आपने उस हल्फ की इतनी बार खिलाफ वर्जी की, आप वो पता है हम जब छोटे होते थे कहानी हमने पढ़ी थी, कोर्ट मार्शल अब इनका होता कि सियासत में इनका अमल दखल। सर इन्होंने गलबन 6 सितंबर 2022 को जो वो यौम दिफा होता है उसकी तकरीब होती है ना, जो मुझे जहां तक याद पड़ता है कि यौम शोहदा उसका नाम रख दिया गया, यौम शोहदा 6 सितंबर, उसकी जो तकरीब हुई थी उस तकरीब में जनरल बाजवा साहब की आप तकरीर उठा के सुन, उठा के देखें, उसके अंदर उन्होंने कबूल किया कि इस मुल्क के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट थी ये सियासत में मदाखलत करती रही, ये चीजों को ट्विस्ट करती रही, लेकिन उन्होंने कहा कि अब ये बाब बंद कर दिया गया है, ये उनका एतराफ, ये उनके खिलाफ खुद चार्जशीट है। और अभी भी देखेंगे लोगों के ऊपर, अगर उनके लोगों के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि वो जो मदाखलत है वो खत्म तो नहीं, 2 साल तो नहीं हुए रिटायर हुए, नहीं तो फिर कैसे स्टेटमेंट्स दे सकते, तो यही बात है ना, मुल्क आइन और कानून उन्हें इजाजत देता है। सर यहाँ अब आइन और कानून कहाँ पीछे रह गया, मुझे ये हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं ना, इसलिए थोड़ा सा असर हो, सबसे ज्यादा तमाशा आइन और कानून का इसी सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, बुनियादी इंसानी हकूक के ये यही थे ना, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज थे सरदार तारिक मसूद साहब, जब ये फौजी अदालतों के खिलाफ अपीलें उनके सामने 15 या 16 दिसंबर को पेश हुई थी तो वो केस की समाप्त कर रहे थे, तो उन्होंने सलमान अकरम राजा को मुखातिब करके कहा था कि पत्नी एक तो बुनियादी हकूक हमें कहाँ लेके जाएंगे। शरीफ खानदान के लिए वो गुज़श्ता साल मई में बड़ा उनका दिल कुरता था कि दीगर लोगों को छोड़ के एक खानदान को जो है वो मुकदमा चलाया गया और उनके खिलाफ ट्रायल किया गया,
लेकिन जब पीटीआई की बारी आई तो कहते हैं कि जवाब पूछते ना कि वो उस वक्त हुकूमत में थे, वो उस मुल्क के वजीर आजम थे, इसलिए उनके खिलाफ केस चला। सर ये देखिए को पब्लिक मनी पर नहीं चल रहे थे, ये पब्लिक मनी का सवाल था। ये सारी देखिए ये यही बात है, मैं आपको कह रहा हूँ सवाल ये सबसे ज्यादा नुकसान सुप्रीम कोर्ट ने पहुंचाया, आईन का तहफ्फुज़ किसने किया। लाहौर हाई कोर्ट के जज का नाम आया था, उसका नाम क्यों नहीं लेते? इरफान सर, इरफान था ना जज लाहौर हाई कोर्ट का जिसका पनामा में नाम आया, वहां से तो तौहीन अदालत के नोटिस हो गए थे अगर किसी ने नाम भी इसका छापा। ये तो आजादी थी इस मुल्क में। तो ये जब इनके अपने ऊपर बात आती है यही होता है। मुझे बताए कि काजी साहब के ऊपर जायज तनकीद हुई ना 14-13 जनवरी की रात को जब फैसला आया बल्ले के इंतखाबी निशान वाला, होल सेल में नोटिस हुए एफआईए ने। ये पिछले 3-4 दिन से जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ मुहिम चल रही है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खिलाफ चल रही है, एफआईए नोटिस क्यों नहीं कर रही? मुस्लिम लीग नून मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है, क्यों नहीं चल रही? जस्टिस आयशा मलिक के खिलाफ कंपेन चल रही है, कुछ नोटिस नहीं। अतर मिनल्ला साहब के खिलाफ कंपेन चल रही है, जस्टिस मुनीब के खिलाफ कोई नहीं बोला। तो फिर यहाँ ये पीछे सामने गेट है, यहाँ पर जो 15 मई 2023 को जो तमाशा लगाया गया, जो मुगलजात चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ यहाँ उगली गई, मुझे बताएं उसकी किस इदारे ने उनके ऊपर नोटिस लिया? तो ये अभी भी हाँ ये सिर्फ तमाशा चल रहा है ना। जनरल बाजवा इसमें जो है वो सुरखरू हो सकते हैं, ना पीडीएम हो सकती है। एक सादा सी बात है, अगर पीडीएम कहती है कि हम मुलव्वस नहीं हैं तो आप सिर्फ साइफर पब्लिक करने का मुतालबा कर दें, हुकूमत इनकी है, काबीना से मंजूरी पहले हो चुकी है। नहीं बता चुके कैसे रजीम चेंज हुआ, सारा बता चुके हैं, बिल्कुल मोहम्मद जुबैर बता चुका, ख्वाजा आसिफ बता चुका, ख्वाजा आसिफ किस जमात में, मुस्लिम लीग नून में बता चुके, बिल्कुल बता चुके हैं। चंद किस जमात में, हम नदीम अफजल चंद पीपल्स पार्टी में बता चुके हैं। फिर मुस्तफा नवाज खोकर चले माजी में पीटी है, उसमें पीपल्स पार्टी में थे, अब बाहर हो गए, वो बार बार ये बता चुके हैं। मोहम्मद जुबैर पहले नून में थे, जो सारी डील्स का हिस्सा थे, जो स्पोक्स पर्सन नहीं थे, जिन्होंने सारी डील्स कराई हैं, वो बता चुके हैं। हाँ। तो पीछे कितनी गवाही है सर? कोई गवाही, इसलिए तो कौम यकीन नहीं कर रही ना। अब वो इमरान खान जेल में बैठा है और वो बोले भी एक लफ्ज नहीं बोला, ये कितना बयानिया खड़ा करते हैं, टीवी के ऊपर प्रोपेगेंडा चलता है, उसके खिलाफ खास मखसूस वीडियोस बन के उसके खिलाफ मजहबी मुनाफरत और सारा कुछ किया जाता है, लेकिन वो वहां से एक स्टेटमेंट देता है, कौम क्यों यकीन कर लेती है, क्यों मान जाती है आपकी बातों पे यकीन? आपने जब टीवी पे आके कह दिया बेगर्स कैंट बी चूजर्स, तो फिर मुझे बताएं ना, फिर आपकी क्या औकात, क्या वर्थ है आपकी? वो जो बैठा है, जिसने जो डट गया, जिसको आज कौम ने अपनी आंखों पर रखा हुआ है, तो भाई लाडला बनना है, अवाम का लाडला आपने बनना है या किसी इदारे का लाडला बनना है, ये तो आपने फैसला करना है ना। अब आप उस वक्त डीले करके बाहर फरार हो गए, इमरान खान के पास भी रास्ता था, ये तंगी ना काटता, उसका तो निकाह भी फासिद हो गया, आज तक ये बेशर्मी किसके साथ रियासत ने की है, जो इमरान खान के साथ जो जुल्म किया गया और उसकी बीवी के खिलाफ जो खलासत उगली गई कि ये इनके नाजायज ताल्लुकात थे, वो बंदा कुरान पे हल्फ दे के हल्फ देने को तैयार है कि मैंने निकाह से पहले बुशरा बीबी को मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, मैंने कभी देखा तक नहीं था। तो ये तमाशे इस मुल्क में पहले भी लगते रहे, बेनजीर के खिलाफ लगते रहे, उनकी बहन के खिलाफ लगते रहे, फातिमा जिना के खिलाफ ये लगते रहे, ये सारा कुछ ये। तो अब कौम जो है ना वो चूरन खरीदने को तैयार नहीं है। वो 2022 में एक वो बैनर मैंने देखा ना कि यू हैव मेस्ड विद द रॉन्ग जनरेशन, तो मैं उस वक्त समझता कि यार मैं पीटीआई वाले ना बढ़ के मार रहे हैं कि यू हैव मेस्ड विद द रॉन्ग जनरेशन, लेकिन अब जब हम इन चीजों को देखते हैं तो वो उन बच्चों की बातें अब दुरुस्त साबित होती हैं, मालूम होती हैं। अगली नस्ल भी अगली नस्ल, अगली दो नस्लें, वो जो 5 साल 10 साल 15 साल 18 साल तक है ना, जो स्कूल कॉलेज में जो वीडियोज खुद बनाते हैं, जो टिकटॉक पे छाए हुए हैं, वो सारा बयानियां लेके चल रहे हैं। तो ये मोहम्मद जुबैर साहब की गवाहियां मौजूद हैं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो दरमियान में आए या नू लीग खुद इसमें आके वजातें दे, अता तारक की कौन सुनता है अगर वो आके उसने बयानियां बनाना है। क्या नाम लिया आपने मेरे, हमें वीडियो बंद कर दो अब, मैं मेरे ख्याल में यहीं पे बंद करनी चाहिए, उससे आगे फिर बस गुंजाइश एंड होगी। हाँ। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का, कमेंट सॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।